मागा थाने जंक्शन पर दत्तपाड़ा फ्लाईओवर के नीचे फ्री यू टर्न रोड खोलने का काम का उद्घाटन किया गया। वेस्टर्न एक्सप्रेसवे हाईवे पर वसंत मार्वल समर्पण कॉम्प्लेक्स रिवली पार्क के सामने फुटपाथ पर 20 एलईडी लाइटों का उद्घाटन किया गया। इस रंगारंग कार्यक्रम का संचालन वरिष्ठ भाजपा कार्यकर्ता श्री श्याम कदम ने अपने चिर परिचित अंदाज में किया और कार्यक्रम को एक अलग स्तर पर ले गए। नागरिकों और वाहनों की सुरक्षा के लिए इंतजाम किए गए। सड़क के दोनों ओर पैदल यात्रियों के लिए फुटपाथ, पैदल यात्रियों की सुरक्षा के लिए सड़क के दोनों ओर रेलिंग, नगर निगम के माध्यम से 2 सिग्नल ब्लिंकर, अडानी इलेक्ट्रिसिटी कंपनी के माध्यम से 4 एलईडी दिए, हाईवे पर फ्लोरोसेंट लाइट की व्यवस्था, 2 स्पीड ब्रेकर, दिशा सूचक पैनल आदि की व्यवस्था की गई। बहुत बड़ा काम हुआ ऐसा मैं कहूंगा। बोरली भारतीय जनता पार्टी का जो हमारा यूनिट है और उसमें भी आशा रिताई और सुधीर सरवनकर ने ये सारे देखे छोटे छोटे 10 काम चुनकर उन्होंने किया। आज कम से कम 20 लाइट का उद्घाटन हमने किया है। अब हमारा देश आगे बढ़ रहा है, प्रगति हो रही है, लोगों के पास पैसे आ गए, लोग गाड़ी में घूम रहे मैक्सिमम लोग तो गाड़ी से ही जाते हैं, गाड़ी से आते हैं तो बाहर क्या पोजिशन है वो पता नहीं चलता कभी कभी किसी को। तो ये काम को ढूंढकर सुधीर सरवनकर ने पीछे पड़ कर ये उसको अमल में लाया, इसका उद्घाटन हमने किया। और आपकी जानकारी के लिए 25 साल हो गए बिल्डिंग बनकर, सोसाइटियां बनकर, लेकिन वहां पर अभी भी सॉफ्ट टैंक ही है, ड्रेनेज का सीवरेज सिस्टम नहीं था। तो सीवरेज सिस्टम को भी पीछे पड़ कर, क्योंकि मैं नगर सेवक से यहाँ तक सांसद तक पहुँचा हूँ तो मेरा ऑफिसर के साथ में परिचय है, मानते भी है, सम्मान भी करते हैं, सुनते भी है और एक मेरा एक अनुभव है तो लोग भी मेरे पास आते हैं। तो यह सारा एक सीवर का बहुत बड़ा काम पास हुआ है, उसका भी हम आने वाले दिनों में उद्घाटन करेंगे, भूमि पूजन करके काम को आगे बढ़ाएंगे। हाईवे पे आप देखेंगे तो वो जो पट्टा है उसमें प्रवीण दरेकर से लेके सुनील प्रभु तक बहुत सारा टॉयलेट बना हुआ है, लेकिन मुंबई से जब लोग यहाँ पर जाते हैं गुजरात की ओर तो एक भी यहाँ पर टॉयलेट नहीं है और पेशाब वगैरह करने का लोगों को बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। तो मैंने इनको भी आदेश दिया कि इसको ढूंढो और एक अच्छा जगह ढूंढकर वहां पर भी हम बनाएंगे, नहीं तो फिर ब्रिज के नीचे होता तो ब्रिज के नीचे बनाएंगे। तो जो कार्यक्रम यहाँ पर हुआ है, मैं भगवान के ऊपर बहुत मानने वाला व्यक्ति हूँ, मतलब मैं पूजा 4 घंटा नहीं करता, 2 ही मिनट करता हूँ, लेकिन भगवान नाम की एक ताकत, एक अदृश्य शक्ति है ये मानकर मैं हमेशा काम करते रहता हूँ। तो ये कार्यक्रम देखिए पूरा पेट्रोल पंप के सामने यहाँ पर हुआ है। मैं आने वाले दिनों में केंद्र सरकार को एक चिट्ठी लिखकर कहूंगा कि जितने भी रोड पर पेट्रोल पंप है उन्होंने एक टॉयलेट बनाना चाहिए। जब मोदी जी ने इतना बड़ा टॉयलेट का अंबार खड़ा कर दिया है तो ये टॉयलेट अगर करते तो वो पेट्रोल भरने को आते हैं उनको भी सुविधा हो जाएगी और बाकी सारे लोगों को भी हो जाएगा। और टॉयलेट अगर है तो जो टॉयलेट यूज करने को आएंगे तो हो सकता है पेट्रोल भी भर लेगा, तो ये गिव एंड टेक का एक काम हो जाएगा। तो ये भी हम आने वाले दिनों में करने का प्रयास करेंगे। गोपाल जी, जिस तरह से चुनाव होता है नेता कई वादे करते हैं वो भी चुनाव तक पूरा नहीं कर पाते, लेकिन आपके शब्दों में कहा जाए तो विकास का कोई अंत नहीं है क्योंकि आप लगातार एक के बाद एक कार्य को लेकर आते हैं, किस तरह आपके मन में विचार लगातार विकास कार्य को लेकर चलते रहते हैं? मेरा एक जो काम खड़ा हुआ है हमारे पार्टी की जो एक संगठन कही है या तो रचना है, इसमें हम चुनाव के समय पर कोई वायदे देते नहीं है और पब्लिक भी हमारे से कोई वायदा करवा के लेती नहीं है। पब्लिक को मालूम है कि ये चुन के आएंगे और चुन के आने के बाद ये काम करेंगे, ये विश्वास लोगों का बैठा है
और हम फिर सुन के आने के बाद में लोगों को कहना नहीं पड़ता है, हम ढूंढ ढूंढ कर काम करते हैं। अभी आपने मेरा भाषण सुना होगा तो मैं पार्टी के कार्यकर्ताओं को यही कहा कि आप हर परिसर में जाइए, छोटे छोटे काम को ढूंढो, 50 काम 100 काम यादी तो बनाओ। अगर 100 काम का यादी होता है उसमें से अगर हम 50 काम को भी अंजाम तक पहुंचा सकते हैं तो कितनी बड़ी बात होती है ना। तो ये हम लोग स्वयं करते हैं और ये हम आने वाले दिनों में करते रहेंगे। और यही जो एक विश्वास उत्तर मुंबई में लोगों का भारतीय जनता पार्टी के नगर सेवक विधायक और सांसद पर निर्माण हुआ है उसका ये सब लाभ है जो इस प्रकार के छोटे से लेकर बड़े काम तक सारा होते रहता है।